हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में, गोवा कार्बन और पीसीबीएल। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे गोवा कार्बन और पीसीबीएल के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पे कवर किया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आज हम यहाँ पे अपडेट देने वाले हैं कि यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कौन से लेवल पे हमने ध्यान देना चाहिए, और उसी के साथ जो नए इन्वेस्टर है क्या उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, गोवा कार्बन का अगर हम पीई रेशियो देखते हैं तो -81.22 है, जो कि बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी के साथ, जो कि 15.60 पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 390 करोड़ का। अब अगर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। डेली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 614 के हाइज बनाने के बाद ये जो स्टॉक है इसमें भारी गिरावट हमें दिखाई दी। 398 का यहाँ पे 200 जो मूविंग एवरेज है इसका, इसने एक सपोर्ट लेते हुए एक बहुत ही अच्छा पुल बैक दिया। क्या ये आने वाले सेशन में यहाँ पे ये जो पुल बैक है सस्टेन कर पाएगा? तो देखिए, अभी के लिए जो हमारा स्टॉक है ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहा है एक रेंज में। हमारे लिए सपोर्ट जो है वो है यहाँ पे 400 के आसपास, और जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो रहेगा 460 का। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने सपोर्ट तो ले लिया 200 मूविंग एवरेज के से, लेकिन हमारे लिए अभी भी जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो है 20 मूविंग एवरेज, और उसी के साथ हमारे लिए जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 500 के लेवल का है। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक सस्टेन कर पाता है आने वाले सेशन में, तो उसके बाद हम यहाँ पे 500 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है 507 का, अगर उसके ऊपर ये जो स्टॉक है सस्टेन करता है तो उसके बाद 550 के बारे में हम जरूर सोचेंगे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी के लिए क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा सपोर्ट। ये जो स्टॉक है, अगर यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी रहती भी है, फिर भी ये जो हमारा 400 का सपोर्ट है ये टूटना नहीं चाहिए। उसका रीजन देखिए, यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं, वीकली चार्ट में यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगा चार्ट पैटर्न के बारे में भी, और हम लोग जिस सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में भी। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरीके का मैंने ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, ये हमारे लिए कंसिस्टेंटली एक सपोर्ट का काम कर रही है। जितनी बार स्टॉक यहाँ पे नीचे की तरफ आता है वहाँ से बहुत बढ़िया इसने पुल बैक दिया है। अब अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो जैसे कि हमने हमारे पहले वीडियोज में बताया था, स्टॉक में यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना, सेकंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना जो कि यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनाता है। इसकी ये जो नेक लाइन है यानी कि रेजिस्टेंस है, इसका एक बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद इसने 52 वीक हाई भी बनाया, और ये जो ब्रेकआउट के बाद है वीकली चार्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक रीटेस्ट भी हो रहा है। यहाँ पे रीटेस्ट में हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि 458 के यहाँ पे लोस नहीं टूटने चाहिए, लेकिन इसके बाद जो हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट था 400 के आसपास, उसने यहाँ से एक बाउंस देते हुए हमें पुल बैक दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे हम इंडिकेटर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है उसने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉसओवर कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बुलिश इंडिकेटर है। मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि हम वीकली चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये जो स्टॉक है पॉजिटिव नजर आ रहा है। हमारा यहाँ पे कप एंड हैंडल जो था ये फॉर्मेशन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, और उसका रीटेस्ट भी हो गया। अब यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप ट्रेंड की जर्नी के बारे में ही सोचेंगे। हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यही, यानी कि अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हैं तो हमारे लिए 200 मूविंग एवरेज और ये जो हमारी लेवल है 360, ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। आज की जो क्लोजिंग है 453 के आसपास हुई है। अब देखिए, यहाँ पे जिस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एक इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है। इनसाइड बार में यहाँ पे होता क्या है, इस इनसाइड बार में अभी भी कोई डिसीजन नहीं है। तो आने वाले सेशन में अगर हमारा ये जो स्टॉक है अगले वीक अगर इसकी क्लोजिंग 475 के ऊपर अगर होती है, यहाँ पे जो हमारी एक ये मदर कैंडल है और इसके साथ ये बाजू में जो है ये एक बेबी कैंडल है, तो ये बनाता है एक इनसाइड बार, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनसाइड बार में जो आने वाले सेशन में अगले वीक की यहाँ पे अगर हमारी क्लोजिंग 475 के ऊपर होती है, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन जाए, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉक है हमें अप ट्रेंड में दिखाई देगा। और अगर इन केस हमारा ये जो इनसाइड बार है इसके आने वाले सेशन में अगर क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है और यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल बन जाती है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव इंडिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन हमें दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा। टारगेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे, मतलब आप ईयरली का ग्राफ अगर देखते हैं, यहाँ पे जो उसने हाई बनाए थे वो थे 1200
के, और यहाँ से देखिए ये जो स्टॉक है गिरते हुए इसने जो बॉटम बनाया था वो 100 के आसपास बनाया था। अब ये बॉटम बनाने के बाद फिर से यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है जो कि हमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया है 3 से 5 साल का, तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे हमें आने वाले सेशन में 600 के लेवल और ये अगर सस्टेन होते तो उसके बाद हमें फिर से बहुत अच्छा ब्रेकआउट के साथ 700 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे MACD जो है, MACD में यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिखाई दे रही है। बुलिश क्रॉसओवर हुआ नहीं है तो हमें उसका वेट रहेगा। जैसे यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे ब्लू कैंडल को नीचे की तरफ यहाँ पे क्रॉस कर देगी तो यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा और उसके बाद हमें ये जो स्टॉक है यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी भी दिखाई देगी। सेकंड जो स्टॉक है वो है PCVL का, जो कि यहाँ पे PE रेशियो उसका 9.64 है, ये भी कम है सेक्टर PE जबकि 15.60 पे है। PCVL की जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो हुई है 113.60 पे। यहाँ पे आज के डे में अगर आप देखते हैं तो इसने हाई जो बनाए थे वो थे 116 के आसपास। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 4104 करोड़ का। अब यहाँ पे आप टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे W पैटर्न बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये जो नेकलाइन है ये यहाँ पे फेल हो गया और उसके बाद जो इसने बॉटम बनाया था वो था 28 के लेवल। और यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है इसने वी शेप या फिर राउंडिंग बॉटम शेप में यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद ये जो स्टॉक है फिर से फिसलते हुए हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए फिर से अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब हमारे लिए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 140 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही यहाँ पे 140 का जो रेजिस्टेंस है ये अगर टूट जाता है तो हमें यहाँ पे 150 से लेके 60 के ऊपर के भी यहाँ पे लेवल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात है। अब यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात लेकर चले तो देखिए यहाँ पे भी इंडिकेटर्स में यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज है इसने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का बहुत ही अच्छा क्रॉसओवर कर दिया है। उसी के साथ यहाँ पे हमें बहुत अच्छी रैली भी दिखाई दी है। अगर आपने ये जो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसका जरूर ध्यान दीजिएगा। जब तक हमारा स्टॉक सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट में ही यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी दिखाई दे रही है। ये अभी बना नहीं है, हो सकता है ये जो स्टॉक है फिर से फिसलते हुए नीचे की तरफ आए लेकिन यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए अगर ये यहाँ पे ऐसा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है तो उसके बाद ये हमारा 120 का जो लेवल है इसका जो ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हमें बहुत अच्छे तेजी के साथ 130 और उसके बाद 140 के भी टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर 130 सस्टेन होता है तो ही हम ऊपर के टारगेट के बारे में सोचेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है यहाँ पे 140 के। तो अगर यहाँ पे ये जो स्टॉक मिड से लेकर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 140 क्रॉस करता है तो उसके बाद हो सकता है एक रीटेस्ट हो और रीटेस्ट के बाद ये जो अपनी जर्नी है लॉन्ग टर्म की यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए 160 से लेकर 170 के भी टारगेट अचीव करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन में यहाँ पे हमारा जो छोटा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका एक ब्रेकआउट भी हो जाएगा और अगर हमारा ये जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें बहुत अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। अगर आप यहाँ पे नए इन्वेस्टर है और आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए 400 के जो लेवल है बहुत ही बढ़िया लेवल है। अगर आपको यहाँ पे 420 से लेके 400 के बीच में अगर यहाँ पे स्टॉक मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। PCVL के बारे में अगर हम बात करें तो PCVL में भी 100 के ऊपर अगर आपको ये स्टॉक मिलता है 110 और 100 के बीच में ये जो लेवल है यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमारे लिए दोनों की जो है वो स्टॉप लॉसेस का काम करेगी। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।